हाजे उर्जा दावे करपा आसतले ह्याच खातीर जे आमचे तोंडातले जे उतर वतले ते उतर फायनल आसतले आपल्या गोंयकारांक जे त्रास जाता त्या त्रास पयस करपा खातीर आसतले. ह्या खातीर आमी गोंयाक आयिल्ले आसा आनी ह्या खातीर वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या सिटींनी राहुल गांधीची आयज मिटींग जाल्ली आसा. एक दिसाचो दौरो आनी ज्या तरेन काँग्रेसीक हांगा रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा गोंयाक दिसून येता की काँग्रेस आयज जी म्हारगाय वाडलेली आसा गोंयाक येणाऱ्या सरकाराक काँग्रेस म्हणटा की आमी आसतले आमी सरकार करतले. आतां कितें लोकांचे मूड आसा हे आमकां येणाऱ्या काळांत कळटले. आमी कवरेज दिल्ले आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या ज्या जाग्यार स्टेडियमाच्या सराउंडींग क्षेत्रांतल्या जी कवरेज आमी दिल्ली आसा की जागे जाग्यांनी तुमकां दिश्टी पडटले की हांगा काँग्रेसीचे फलक लायिल्ले आसा. आनी ह्याच खातीर म्हणला मूड आयज जो आसा गोंयाक की काँग्रेस खातरी दावो करता की येणाऱ्या इलेक्शन आमी जिखता म्हणून प्रेस के हमारे मित्रों,
आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रेस के मित्रों कहा, मगर आजकल प्रेस सरकार के ज्यादा मित्र है हमारी कम। मगर एक बात है, और मैं इसके लिए आपको कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं कि अगर यहां किसी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इश्यूज की लड़ाई लड़ी है, तो वो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। और ये दो तीन दिन की लड़ाई नहीं है, आप जानते हो, हर रोज जनता की इश्यूज की लड़ाई हमारे कार्यकर्ता ने लड़ी है, हमारे नेताओं ने लड़ी है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यहां पे गोवा में, बाकी हिंदुस्तान में भी, मगर गोवा में एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिफेक्टर कह दो, उसको आप ट्रेटर कह दो, जो भी कहना चाहते हो कह दो। और मैं जानता हूं ये जो कार्यकर्ता लड़े हैं, आप सब जो लड़े हो, आपके दिल में एक भावना है कि डिफेक्टर्स को जगह नहीं दी जाए। और मैं आज आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गोवा की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का और जनता का धोखा किया है, उनको हम जगह नहीं देंगे। इस बार मैंने चिदम्बरम जी को कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में है, उसके बेसिस पे कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए। और जो गोवा की जनता के दिल में मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। दो लड़ाइयां हैं, एक नेशनल लेवल पे, और उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के साथ क्या किया जा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। और दूसरी लड़ाई गोवा की लड़ाई, जो आप मुझसे बेहतर जानते हो, मगर उसके बारे में भी मैं दो तीन पॉइंट्स अपनी जो सोच है आपके सामने रखना चाहता हूं। सो आई विल स्विच बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। आई बीन टोल्ड दैट आई शुड स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट इज गोइंग ऑन एट द नेशनल लेवल and how the idea of India, which is also the idea of Goa, is being attacked. Who is benefiting and who is losing out?
You will recall, some years back, the Prime Minister came on television and did what is now called demonetization, notebandi. Cancelled the 1,000 rupee note. Then the government passed a flawed GST, a GST designed to help a few of their friends. And now finally you see farmers all across the country agitated because the BJP, Narendra Modi, has passed 3 new farm bills which are designed to crush the farmers of this country. These are not random events. There is a systematic plan in operation. And the plan is to attack the unorganized sector, to attack small and medium businesses, to attack small traders, to attack labor, and to attack farmers. To take from them and give to the richest, most powerful in the land. And I am not saying to give to hundreds or thousands of people. I am saying that the government of India is handing this country over to a few limited business people. Wherever you look, and it doesn't matter which sector you look, you will find the same 5 or 6 names. Look at the ports, look at coal, look at airports, look at agriculture, look at retail, look at telecom. You will find these same 5 or 6 people in sector after sector after sector after sector. And what people have to realize is that these 5 or 6 people are benefiting. And millions and millions and millions of people's lives are being destroyed. Systematically destroyed. GST is designed to harm small and medium business. Farm laws are designed to destroy the lives of small traders and farmers. And that is what is unfolding in this country. I said in the beginning that the media is a friend of the government in Delhi. It is a fact. The media portrays a distorted reality of this country. The media does not raise the issues of farmers, small and medium business people, of labor. And so we have a tragedy unfolding in our country. At the same time, the Chinese enter our country, take thousands of kilometers of our land, land almost the size of Delhi, has been occupied by them. They are sitting inside Indian territory today. And the Prime Minister says, nobody has taken any land. So that is the reality that you are fighting at the national level. Brother is pitted against brother. The nation is divided. Hatred is spread. And those same 5 or 6 people
The whole design is to make those same 5 or 6 people rich. Doesn't matter what happens to the country. Doesn't matter if the country burns. Doesn't matter if hatred spreads throughout the country. But those 5 or 6 people have to benefit. This is the reality of India today. And today when I came to Goa, I realized that exactly the same battle that is taking place, the ideological battle that is taking place at the national level, is taking place here in Goa. The same thing I'd like to ask you. Goa ko coal hub banaya ja raha hai. Well, they've just given me a piece of paper that says the media in Goa is more balanced than the national media. So that is heartening. That makes me happy that you are doing the job that you're supposed to do. We don't expect unfairness from you. We expect fairness from you. And if you are being fair, we are proud of you because you are doing your duty, your job. So I would like to thank the journalists who are being neutral and who are being fair. That is not the case, unfortunately, at the national level. But Goa ko कोल हब बनाया जा रहा है. आज मैं फिशरमैन से मिला, मछुआरे से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे लाइन को डबल किया जा रहा है, कोल का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और गोवा को कोल हब में बदला जा रहा है. उसके बाद माइनिंग अफेक्टेड लोग आए, उन्होंने बताया कि माइंस को बंद किया गया, लाखों लोगों को नुकसान हुआ और उन्होंने कहा कि माइंस उसी व्यक्ति को जानी जाए दी जाए कि दिल्ली उसी एक व्यक्ति को गोवा की माइंस पकड़ा दे. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो गोवा को दुनिया की सुंदर जगह को ये कोल हब जो बनाया जा रहा है, ये किसके लिए बनाया जा रहा है? किसका फायदा होगा इससे? क्या गोवा की जनता का फायदा होगा? किसका फायदा होगा बताइए. हाँ तो देखिए, एयरपोर्ट पे अदानी, पोर्ट्स पे अदानी, गोवा की माइनिंग पे अदानी, डब्लिंग ऑफ रेलवे पे अदानी, कोल हब भी अदानी, तो गोवा की जनता को क्या मिलेगा? आपके लिए क्या हो रहा है ये आप मुझे समझा दीजिए. प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने आपसे ये नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन आएंगे, ये बात आपको नहीं बताई. आपने गलती कर ली, आपने पूछा नहीं भैया आप किसकी बात कर रहे हो. अगर आप उस टाइम पूछ लेते भैया किसकी बात कर रहे हो, कहते अदानी अंबानी की, देश की बात तो मैं कर ही नहीं रहा. ये गोवा की रियलिटी,
आपसे कहा कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण हो रहा है, एग्रीकल्चर पर आक्रमण हो रहा है, और ऐसी स्थिति आ गई है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। कोविड की समस्या आई और यहां बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस ने ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत अच्छा काम किया। मुझे बताइए, ये काम यूथ कांग्रेस का है या ये काम सरकार का है? ये काम सरकार का है, सरकार ने नहीं किया इसीलिए यूथ कांग्रेस को करना पड़ा, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये काम किया और जो सरकार को करना था आपने किया। मगर दो और दो देश को रोजगार कौन देगा? यूथ कांग्रेस तो नहीं दे सकती, सरकार का काम है। और अगर सरकार हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में लगी है तो इस देश में रोजगार नहीं पैदा हो सकता, और यही आपने पिछले सालों में देखा है। लंबे भाषण करते हैं मगर आज गोवा में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है शायद आपके इतिहास में नहीं हुआ। सही बोला, सही है ना? युवा को गोवा में रोजगार मिल सकता है आज? नहीं। आज हमारी बात हुई, गाड़ी में हम बात कर रहे थे और मैंने चिदम्बरम जी से पूछा कि गोवा को बाकी हमारे जो नेता से पूछा गोवा को सस्टेनेबली रोजगार कैसे दिया जाए, और उन्होंने मुझे बताया होमवर्क किया, काम किया है। उन्होंने मुझे बताया एजुकेशन हब बनाकर, हेल्थ केयर हब बनाकर, हेल्थ केयर टूरिज्म, इन चीजों से बिना गोवा के एनवायरमेंट को खराब करे गोवा के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। और आपने हमारा काम देखा होगा, हमारी सरकार थी हम नफरत नहीं फैलाते, प्यार से छोड़कर हम काम करते थे। मनरेगा हमने दिया, ऐतिहासिक काम किया, और नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मनरेगा से बेकार योजना हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा उनके शब्द। और फिर उसी मनरेगा को कोविड के समय उन्होंने भी कुछ का प्रयोग किया। पिछले चुनाव में हमने कहा था कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर हो गए और जो आम पब्लिक है उनके पास पैसा नहीं है, इनकम डिस्पैरिटी बहुत हो गई है, और हमने न्याय योजना का आइडिया दिया था। हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा 72,000 रुपीज साल में, और उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय योजना नहीं की जा सकती। और हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी सरकार गोवा में आए तो हम न्याय योजना जैसा कॉन्सेप्ट गोवा की जनता को भी दिलवाएं। हमारा फोकस रोजगार पे होगा, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और टूरिज्म पे होगा, और हम एक बार फिर गोवा को छोड़कर
एक साथ सबको लेकर हम आपको प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैंने आज फिशरमैन से भी ये बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा जैसी सुंदर जगह को हम गोल हब नहीं बनने देंगे। और ये जो उन्होंने थ्री मीटर प्रोजेक्ट चालू कर रखे हैं, हम इनको नहीं होने देंगे। ये बात आप याद रखें। फाइनली अफेक्टेड जो फैमिलीज थी उनसे मैं मिला, और हमने उनको आश्वासन दिया है कि लीगल तरीके से हम माइनिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश करें। इन द एंड दिस इज ए पॉलिटिकल फाइट, बट दिस इज ऑल्सो ए आइडियोलॉजिकल फाइट। एज गिरीश सेड, द कल्चर ऑफ गोवा, the way of life of Goa is also the culture of India and the way of life. We are not just fighting an election here. We are fighting a fight about defining what Goa is going to become, how Goa is going to treat itself, and how Goa is going to treat the rest of the world. And I want Goa to show the rest of India that Goa can stand together, maintain and protect its wonderful culture, maintain and protect its wonderful environment, and still move forward with vigor and dynamism. So this battle is not just a political battle. This battle is a battle of ideas, and it is a battle of the imagination. How are you seeing your future? Are you seeing a future which is full of hatred? Are you seeing a future where your daughters cannot step out at night? Are you seeing a future where you cannot speak to each other with love and affection? Or are you imagining a future which is peaceful, a future which is progressive, where everybody benefits, where there is love and affection everywhere, and Goa transmits its most powerful culture, its most powerful ideas to the rest of the country? For me, this is the battle that is taking place now. And this is a battle between two ideologies. We represent one ideology, you represent one ideology, and the BJP represents another ideology. We are the political party that represents a united Goa, a prosperous Goa. We are a political party that represents the idea that Goans can love each other, can work with each other, can embrace each other. They are the political party that represents the idea that Goa has to be divided, the idea that Goans have to disrespect each other, the idea that Goans cannot share a future. That is what this fight is about. And I am proud to be speaking to the people, the soldiers and the generals who have been fighting this fight. And I'm proud to say that you're going to win this fight. So, once again, I'd like to thank all of you, not just for today, but for what you carry in your heart, for the way you treat each other, for the affection that you have
for the optimism that you have, for the hope that you have. And I am certain that the majority of people in Goa carry this hope, this optimism, this love for each other in their heart. So thank you very much. Dev Pare Kori. हम खासदार दान योग गौरव मुंडा अनेक